गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। हमें इसमें एरिया पता करना है रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड द एरिया। सो फार्मूला इज एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। हम 5.7 का हम 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। तो चूँकि यहाँ पे दोनों ही जो लेंथ हैं ये सेंटीमीटर में है, इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका फाइंड, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। एक डेसिमल नंबर है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10, किसी नंबर को हमें 10 से करना है, किसी को 100 से करना है, किसी को 1000 से करना है। तो मैं थ्री टाइप्स के जो नंबर्स हैं, थ्री टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पे 1.3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो 1.3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 13/10 इंटू 10। 10 से हम 10 कट कर देंगे तो 13 का आंसर 13 आ जाएगा। आगे देखिए सेकेंड है 168.07 इंटू 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16807 और यहाँ डेसिमल को यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे 16807 अपॉन 10। 10 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल वन डिजिट बाद लग जाएगा। ओके, अगला देखिए 31.1 इंटू 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 311 अपॉन 10 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद वन डिजिट है, तो यहाँ पे 10 आएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 रह जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 311 इंटू 10 और 311 को 10 से इंटू करेंगे तो 3110। अंडरस्टैंड। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। ये है आपका 12th नंबर का पार्ट है इसका, 0.03 इंटू 1000। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3/100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 10 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 10 यानी कि 30 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, इसके और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने सॉल्व करने हैं। ओके, इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1, 1st, 4th, इसके बाद 5th, फिर इसके बाद 12th किया हुआ, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आपने सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप इसमें 4, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ओ ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक टू व्हीलर यानी कि दो पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर 1 लीटर में डिस्टेंस कवर करता है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। लैंग्वेज लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 55.3 या 0.3 लिखा हुआ है, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना कवर करेगा, 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर में 55.3 इंटू 10 का इंटू करेंगे तो देखिए 10 का इंटू करेंगे तो ये डेसिमल, और ये 10 का जब इंटू करेंगे तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 553 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 1 नंबर में डेसिमल था, यहाँ पे दोनों ही नंबर में डेसिमल है, आप देख रहे हैं 2.5 इंटू 0.3। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए करिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6 और 1 carry 7। तो यहाँ पे 75 आया। अब हम डेसिमल को प्लेस करेंगे, यहाँ पे देखिए डेसिमल है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है यहाँ पे, और यहाँ भी डेसिमल के बाद डिजिट है, तो डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स हो गए 2। तो हमें आंसर जो हमारा निकल के आया प्रोडक्ट, उसमें हम 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2, यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया, यहाँ लिखेंगे हम 0। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.75। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखिए, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1.3 × 3.1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 13 है, 13 को हम 1 से करेंगे, 13 बन जाए 13, 13 का 3 हमने लिखा,
कैरी हो जाएगी 1, और 13 थ्री जा होता है 39, 39 और 1 होता है 40, तो यहाँ आ जाएगा 4040, तो 403 आ गया। अब हम डेसिमल प्लेस करेंगे, देखिए यहाँ डेसिमल के बाद वन डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद वन डिजिट है, तो टोटल डिजिट हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2, तो यहाँ डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा 4.03। अंडरस्टैंड? तो इसी तरीके से हमने इन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया हुआ है, देखिए बहुत आसान है ये भी। यहाँ हमने 15 का मल्टीप्लाई किया, 15 टू जा 30, ठीक है, 3 कैरी, 15 बन जा 15 और 3 18 होता है, फिर से 1 कैरी जाएगा, 15 बन जा 15 और 1 16, तो यहाँ लिखेंगे 1680, और 2 डिजिट यहाँ पर डेसिमल के बाद, यहाँ 1 डिजिट है, तो टोटल डिजिट हो गए 3, तो आफ्टर 3 डिजिट हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया। अगला है आपका 100.01 इंटू 1.1, तो 11, इसे हम 1.1 को हम 11 एज ए 11 ट्रीट करेंगे, तो 11 बन जाए 11, और 0 से करेंगे 0, 0 से करेंगे 0, फिर 11 बन जाए 11, और देखो 2 डिजिट यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पर है, तो हम डेसिमल प्लेस करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसके देखिए हमने कुछ पार्ट्स सॉल्व किए हैं, कुछ आपने सॉल्व करने हैं, फर्स्ट फोर्थ सिक्स्थ और टेंथ, बाकी के जो पार्ट्स हैं उन्हें आपने सॉल्व करना है, और आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे।